हेलो एंड वेलकम टू 100% परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर सेवन दैट इज इंटेग्रल्स तो लास्ट वीडियो में हमने नया मेथड स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.6 के फर्स्ट एट क्वेश्चंस कवर किए थे आज की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन से लेके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक तो पूरा वीडियो आपने अच्छे से ध्यान से जरूर देखना है क्योंकि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेस्ड हैं सिमिलर पैटर्न पर सो so, आइए वीडियो स्टार्ट करती हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है एक्स कॉज एंड वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी तो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सिम्पलीफाई करना पड़ेगा सिम्पलीफाई करने के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स को क्या पुट करेंगे कॉज थीटा पुट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेवन में किया था वहाँ पर एक्स को साइन थीटा पुट किया था लास्ट वीडियो में हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया था तो पर एक्स को कॉज थीटा पुट करेंगे तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालू तो वो क्या आ जाएगी कॉज को अगर मैं उधर ले जाऊँ सो दिस विल बी कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू तो थीटा राइट सो एक्स इज इक्वल टू कॉसा सपोज किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉज इनवर्स एक्स आ गई ये वैल्यूज आपकी बाद में यूज होने वाली हैं सो so पहले ही आप निकाल के रख लीजिए सो so, इसकी डिफरेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो डी थीटा so, सो थीटा की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस साइन थीटा सो डी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास माइनस साइन थीटा डी थीटा राइट अब आपकी इंटीग्रेशन के अंदर सिंबल के अंदर क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर मैं क्या लिखूंगी एक्स की जगह पर लिखूंगी कॉस थीटा क्योंकि मैंने एक्स को कॉस थीटा सपोज किया है cos इनवर्स x एक्स की जगह पर आ जाएगा थीटा और हमारा डी एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा यहाँ तक ओके okay? है अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा यही होता है हमारे पास बट यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है बट टू साइन थीटा थीटा नहीं है तो हम इसको टू बना लेते हैं सो वन बाई टू से मल्टीप्लाई वन बाई टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड मतलब कहने का ये है सो वन बाई टू बाहर आ जाएगा माइनस भी बाहर ले लेती हूँ सो so अंदर बन गया हमारे पास टू कॉस थीटा साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई किया है टू से डिवाइड किया है साथ में डी थीटा और एक थीटा हमारे पास और भी है सो so इस थीटा को भी लिखूंगी साथ में डी थीटा अब यहां से टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या बन गया हमारे पास साइन टू थीटा साइन टू थीटा इंटू थीटा डी थीटा राइट right? और माइनस वन बाई टू जो है वो बाहर है अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं सो so, थीटा को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन टू थीटा को लेंगे सेकेंड फंक्शन तो ये हम कौन से रूल के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं ये मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना भूल गई थी बस आपको ये बताया था कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या लॉग्रोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उनको हम एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं अदरवाइज़ आप पावर ऑफ एक्स या पॉलिनोमल ऑफ एक्स हो तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन की तरह ही लेते हैं सो so, यहाँ पर एक रूल होता है जिसको मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ इसको बोलते हैं आई लेट रूल आई लेट रूल में क्या होता है कि हमारे पास आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एल स्टैंड फॉर लॉग्रामेथिक फंक्शंस ए स्टैंड फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस लाइक एक्स का कोई फंक्शन हो देन टी स्टैंड फॉर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लास्ट वन ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ठीक है तो अगर आपके पास आपके पास एक लॉग्रोमैथिक का फंक्शन है एक एल्जैब्रिक फंक्शन है जैसे लिखा है x log x लिखा है तो लॉग्रोमैथिक है तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे ठीक है इस तरह से अगर आपके पास कोई एल्जैब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे यहाँ पर x और साथ में हो cos x तो x को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और cos x को आप सेकंड फंक्शन लेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन ओके okay. तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन थीटा है साइन टू थीटा क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन है तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सो so, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि थीटा एज इट इज साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन साथ में डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डी थीटा और इस पूरे की डी थीटा के साथ विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन क्लियर है यहाँ तक तो इस क्लोज कर देते हैं इस ब्रैकेट को माइनस वन बाई टू आ गया अब इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है और वैल्यूज पुट करनी है सो साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन होगी कॉस टू थीटा माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू है ना माइनस ऑफ कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस डी बाय डी थीटा क्या हो गया वन हो गया ठीक है और साइन टू थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस टू थीटा बाय टू ठीक है और साथ में हमारे पास डी थीटा आएगा क्लोज द ब्रैकेट माइनस वन बाई टू अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस थीटा कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू ये माइनस माइनस बार आ गया तो प्लस बन जाएगा सो so ये वन बाई टू जो है वो भी बाहर ले लेती हूँ ये भी कांस्टेंट है अंदर सिर्फ मेरे पास बचा कॉस टू थीटा डी थीटा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे माइनस वन बाई टू माइनस थीटा कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन हो गई साइन टू थीटा बाई टू और साथ में कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है अब ये वन बाई टू जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस हो गए प्लस थीटा कॉस टू थीटा बाय फोर हो गया प्लस ये वन बाय टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे टू है और टू दोनों हैं दो तो फोर हो गए फोर इंटू टू एट हो गया सो दिस विल बी माइनस वन बाई एट साइन टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आपको वापस से सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी पड़ेंगी अब देखो आपके पास वैल्यूज़ हैं आपके पास कॉस टू थीटा की वैल्यू है नहीं है तो कॉस टू थीटा को पहले मैं चेंज करूँगी टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन फॉर्मूला पुट करूंगी सो थीटा बाय फोर तो इसको मैंने लिख लिया टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन क्योंकि जिसकी वैल्यू है उसी में ही चेंज करना पड़ेगा माइनस वन बाई एट अब साइन टू थीटा की वैल्यू भी नहीं है मेरे पास तो इसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब देखो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू है आपके पास साइन थीटा की वैल्यू नहीं है बट वो आप निकाल सकते हो क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा जो है इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है है ना ये हमारी आइडेंटिटी होती है कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आप साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए वन माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये हमने निकाल ली सारी वैल्यूज अब यहाँ पर पुट कर दीजिए थीटा बाय फोर टू साथ में हमारा कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायेयर माइनस वन हो गया माइनस वन बाई एट टू साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायेयर और कॉज थीटा की वैल्यू आ गई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब थोड़ा सा बस उसको मॉडिफाई कर दीजिए थोड़ा सा सिम्पलीफाई कर दीजिए सो so ये आ जाएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉज इन वर्स एक्स बाय फोर देन साथ में हमारे पास आ गया टू एक्स स्क्वायेयर माइनस वन ये टू वन जा टू फोर जा कैंसिल हो गया माइनस वन बाई फोर रह गया देन एक्स है साथ में और साथ में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है साइन इन वर्स एक्स के होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिम्पलीफाई कर देते हैं पहले तो एक्स को हम यहाँ पर साइन थीठा पुट कर लेते हैं साइन थीटा पुट करने से क्या होगा साइन इन और साइन थीटा जब आएगा सो सिर्फ थीटा बच जाएगा साइन इन वाली चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी सो so, इसको सिंप्लीफाई uh, करना है तो so, यहाँ पर पहले इसकी हम डिफ्रेंसीेशन कर लेते हैं तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा सो डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास कॉस थीटा डी थीटा ये आप माफ कर लीजिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया साइन इन साइन थीटा यही हो गया आपको एक्स की जगह पर क्या पुट करना है यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर डी एक्स की जगह पर भर दिया कॉस थीटा डी थीटा साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो गए सो हमारे पास थीटा स्क्वायर रह गया देन हमारे पास कॉस थीटा है देन डी थीटा है ठीक है इसकी इंटीग्रेशन अब हमें करनी है सो so यहाँ पर थीटा स्क्वायर को लेंगे फर्स्ट फंक्शन कॉस थीटा को लेंगे सेकेंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द आई रूल अब यहाँ पर थीटा स्क्वायर एज इट इज फर्स्ट फंक्शन मतलब एज इट इज़ दूसरे की इंटीग्रेशन दूसरे की इंटीग्रेशन कर दी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी थीटा ऑफ़ फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और इस पूरे की इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करते हैं सो थीटा स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन Function ki, integration integration d theta. So, theta square, cos सीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ द फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर का हमारा डेरिवेटिव देन सेकंड फंक्शन की हमारी इंटीग्रेशन और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा सो थीटा स्क्वेयर कॉ सीटा की इंटीग्रेशन हो गई साइन थीटा देन डी बाई डी ऑफ दिस थीटा स्क्वायर इज टू थीटा देन इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास साइन थीटा डी थीटा राइट अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे थीटा स्क्वेयर साइन थीटा माइनस टू बाहर आ गया अंदर फिर से हमारे पास थीटा इंटू साइन थीटा बन गया विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे सो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करनी है तो so, थीटा को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा को लेंगे सेकेंड फंक्शन सो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ द साइन थीटा डी थीटा व सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा सो थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस ऑफ कॉस थीटा देन माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज वन साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा सो दिस इज माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस हो गए प्लस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं सो so, वो आ जाएगी हमारे पास साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस टू यहाँ पर है और माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी अब थोड़ा सा सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज़ थीटा स्क्वेयर साइन थीटा माइनस माइनस हो गए प्लस टू थीटा कॉस थीटा टू अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस टू साइन थीटा प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर वैल्यूज़ वापस से पुट करनी है सो so, एक्स को मैंने माना था साइन थीटा तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ सो दैट वुड बी साइन इनवर्स वर्स एक्स ठीक है तो सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास सिर्फ एक कोस थीटा की नहीं है तो कॉस थीटा की भी यहाँ पर निकाल लेते हैं सो कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायेर थीटा साइन थीटा को क्या सपोज किया था एक्स X, सपोज X किया था तो एक्स स्क्वायर बन गया सो कॉस थीटा विल बी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यूज पुट करिए थीटा का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ठीक है साथ में है साइन थीटा साइन थीटा को मैंने क्या सपोज किया था एक्स सपोज किया था प्लस टू थीटा थीटा की जगह पर फिर से साइन इनवर्स एक्स आएगा टू साइन इनवर्स एक्स नेक्स्ट आएगा कॉस थीटा कॉस थीटा की जगह पर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है फिर आया माइनस टू साइन थीटा टू एक्स प्लस सी सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इन एक्स प्लस टू साइन इन वर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन तो इंटीग्रेशन करनी है एक्स कॉज इन वर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब यहाँ पर आप कॉज इन वर्स एक्स को क्या पुट कर लीजिए कोई भी वेरिएबल पुट कर लीजिए तो मैं यहाँ पर इसको टी पुट कर रही हूँ ठीक है सब्सिटन मैथड लगा रही हूँ सो कॉज इन वर्स एक्स को अगर मैं टी पुट करती हूँ अगर मैं इसके डिफ्रेंसीेशन ऑफ कॉज इन वर्स एक्स करूँ तो वो क्या होती है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इन वर्स एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स तो इसकी डिफ्रेंसीेशन होती है वन अपॉन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इसीलिए यहाँ पर कॉज इन वर्स एक्स को हमने टी पुट किया था क्योंकि मैं जानती थी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो इसकी डिफ्रेंसीशन होती है ठीक है इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है ये हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सो so, इंटीग्रेशन के अंदर हम लिखेंगे x x की जगह पर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ सो दैट वुड बी cos t सो so, मैं यहाँ पर x को cos t पुट करूंगी देन cos इनवर्स x को मैंने t सपोज़ किया है डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए अब डी एक्स की जगह पर भर दीजिए माइनस ऑफ डी टी रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये टर्म और ये टर्म देखो कैंसिल हो गई तो हमारे पास बचा क्या माइनस मैंने बाहर ले लिया अंदर मेरे पास बचा टी कॉस टी और विद रिस्पेक्ट टू डी टी अब मुझे क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन कर लिए इसके लिए फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया और सेकेंड फंक्शन मैंने कॉस टी को ले लिया अकॉर्डिंग टू माई रूल देन माइनस बाहर है हमारे पास तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि टी एज इट इज़ सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी देन सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और पूरे की हमारी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ टी देन कॉस टी की इंटीग्रेशन हो गई साइन टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी इज़ वन कॉस टी की इंटीग्रेशन होगी साइन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस ऑफ टी साइन टी माइनस साइन टी की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास कॉस टी माइनस ऑफ कॉस टी तो वो हम लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब वापस से हमें वैल्यूज पुट करनी है उससे पहले एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे t साइन t माइनस का माइनस ऑफ cos टी ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आप इसे वैल्यूज पुट करनी है देखो आपके पास कॉज टी की वैल्यू है कॉस टी की वैल्यू क्या है एक्स है ठीक है तो मैंने ये पुट कर दी टी की वैल्यू क्या है आपके पास कॉज इनवर्स एक्स है सो माइनस ऑफ कॉज इनवर्स एक्स आपको सिर्फ साइन टी की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर टी कॉज टी हमने लिया हुआ है एक्स स्क्वायर तो साइन टी की वैल्यू आ गई वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉज इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप चाहे तो दोनों में से दोनों में से माइनस जो है वो कॉमन भी ले सकते हो अंदर सिर्फ बचेगा रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर कॉज इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो ये है इसका फाइनल आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है एक्स सी स्क्वायर स्क्वायेयर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स को लेंगे फर्स्ट फंक्शन सी स्क्वायर स्क्वायेयर एक्स को लेंगे सेकेंड फंक्शन तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं सेकेंड फंक्शन की करते हैं इंटीग्रेशन तो सी स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कर दी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव कर दिया सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है सो so, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x secant square की इंटीग्रेशन होती है tan x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन सी कैंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan x तो यहाँ पर tan x पुट करेंगे tan x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो हमारा आंसर आ गया x tan x c tan, tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है फिर से log ऑफ cos मॉड ऑफ cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये हमने प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज़ की है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x tan x माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉज x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट थर्टींथ क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं इंटीग्रेशन करनी है tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx अब देखो यहाँ पर तो कोई और फंक्शन तो गिवन ही नहीं है है ना तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x तो हम अपनी तरफ से एक और लेंगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so वन को हम एक फंक्शन की तरह यहाँ पर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को लेंगे और सेकंड फंक्शन हम लेंगे अपने वन को क्योंकि सबसे पहले ऊपर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही आता है तो हम सबसे पहले उसको फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे हम अपने सेकेंड फंक्शन की माइनस डी बाई डी एक्स करेंगे हम अपना टैन इनवर्स एक्स का यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओके देन टैन इन वर्स एक्स जो है वो आएगा हमारा एज इट इज़ वन की इंटीग्रेशन होगी एक्स देन इसकी डिफ्रेंसी होती है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर और वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओके okay, अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है वो मैं साइड पे सॉल्व कर रही हूँ सो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो आप सब्सिट्यूशन मेथड से कर सकते हो सो so मैं नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको टी पुट कर रही हूँ सो टी पुट करूँगी सो डिफ्रेंसीशन करूँगी सो टू एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स आ गया डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई टू एक्स ओके सो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा मैंने x अपॉन t इसको t सपोज किया था dx की जगह पर लिखूंगी dt टी अपॉन टू एक्स एक्स से एक्स कैंसिल वन अपॉन टू जो है वो बाहर है वन अपॉन टी डी की इंटीग्रेशन करनी है वन अपॉन टू लॉग मॉड ऑफ t हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पर t की वैल्यू मैं वापस से पुट कर दूंगी सो दिस विल बी लॉग मॉड ऑफ वन प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बस आप यहाँ पर पुट कर दो सो दिस विल बी एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू लॉग मॉड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जो ये आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो वो रफ में नहीं करके आनी ये आप साइड पे सॉल्व इसलिए करते हो ताकि आपको ये सारा दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए और सही तरीके से लिखने के लिए इसको आप साइड पे भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे तो x log x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी की हमें करनी है इंटीग्रेशन तो यहाँ पर log x को लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और x को लेंगे हम सेकेंड फंक्शन क्योंकि लॉग्रेमिथिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर आते हैं बाकी अल्जैब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल नीचे आते हैं आई लेट रूल के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ द एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर तो आपने क्या करना है लॉग एक्स का होल स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओके सो ये मैं थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देती हूँ इंटीग्रेशन का सिंबल लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये हमारा एज इट इज़ आएगा x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायेयर बाई टू बन जाएगी सो so, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास टू लॉग x और लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा x की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायेयर बाई टू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो हमने सॉल्व कर लिया इसका डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है अब आप ध्यान रखना इस x को एक x, x के साथ कट मत कर देना क्योंकि ये लॉग x है और ये x है ये x इस x के साथ कट सकता है ठीक है तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस टू और टू जो है वो भी कैंसिल हो जाएंगे एक एक्स एक एक्स से कैंसिल हो गया तो अंदर मेरे पास बचा यहाँ पर एक्स लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अब हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है वो भी मैं यहाँ पर साइड पे सॉल्व कर देती हूँ और फिर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँगी एक्स लॉग एक्स की इंटीग्रेशन करनी है फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स को लूँगी सेकेंड फंक्शन एक्स को लूंगी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड की इंटीग्रेशन देन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स देन सेकेंड की इंटीग्रेशन और इस पूरे की भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सो लॉग एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन बाई एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई टू इसकी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स सो दिस इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू बाहर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया एक एक एक्स रह गया अब तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल ही है माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ये जो है टर्म एज इट इज़ आ जाएगी तो इसका आंसर है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायेयर बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पोट कर देते हैं एक चीज़ और यहाँ पर ना लॉग एक्स का होल स्क्वायर था तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर क्योंकि बाहर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15 तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है एक्स स्क्वायेर प्लस वन लॉग एक्स तो एक फंक्शन एक्स स्क्वायेयर प्लस वन है और एक फंक्शन लॉग एक्स है तो लॉग एक्स को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको लेंगे सेकंड फंक्शन और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायेयर प्लस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉग एक्स है उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और बाहर भी डी एक्स आ गया अब यहाँ पर लॉग एक्स इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन होएगी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स है ना वन की एक्स होगी एक्स स्क्वायेयर की होगी एक्स क्यूब बाई क्यूब ठीक है एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वो हो जाएगा वन बाई एक्स इसकी इंटीग्रेशन फिर से यही होगी एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस टर्म को ऐसे लिखते जाते हैं एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स क्योंकि और सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती अब यहाँ पर देखो कुछ और सिम्प्लीफिकेशन हो सकती है तो ये वन बाई एक्स जो है वो इन दोनों के साथ तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पर कर देती हूँ वन बाई एक्स को अगर मैं एक्स क्यूब बाई थ्री से मल्टीप्लाई करूँ और वन बाई एक्स को मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई थ्री प्लस ये x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा वन ठीक है तो सिंप्लीफाई हो गई अब यहाँ पर log x एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायेर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स क्यूब हो जाएगी बाय थ्री इंटू थ्री क्योंकि ऑलरेडी थ्री है तो एक्स क्यूब बाय थ्री भी हो जाएगा और वन की क्या हो जाएगी एक्स हो जाएगी तो यहाँ बाहर माइनस था तो अंदर यहाँ पर हमारे पास माइनस बन जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई नाइन माइनस एक्स प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन